हमारी बेटी की हत्या कर दी हत्यारों ने बांसवाड़ा में, उसके पहले रोज मैं आकर के मिल के गया हूँ, मारा पीटी की थी, मैं खुद देख के गया, पीठ पे भी घाव थे, और फिर भी उसके ससुर और उसके भाई ने मेरे को बहुत सांत्वना दी कि आप बेफिक्र रहो, चले जाओ, आप मतलब चिंता मत करो, आए दिन उनके झगड़े होते हैं, सुबह बोलना चालू हो जाएंगे। मैं उनके विश्वास में आकर के चला गया। रविवार को 23 तारीख को मैंने बेटी के लिए बात करने के लिए उसके मतलब हस्बैंड से, उसके पिता से बात की, उन्होंने फ़ोन से मेरे से बात नहीं करवाई और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के 5-6 घंटे के अंतराल में उन्होंने हमारे पीएस पक्ष को कोई सूचना नहीं दी और घर से डेड बॉडी उठा करके हॉस्पिटल में डाल दी। ना पुलिस का आदमी था, ना पीएस पक्ष का कोई आदमी था। हमको 4:15 बजे सूचना मिली और उसके बाद में यहाँ पे आए। डेड बॉडी को देख करके हमने उसको मतलब विलाप करते हुए देखा और उसको मोर्चरी में आगे होकर के मैं ले गया और पीछे पीछे सब लोग एक एक करके गायब हो गए। रात भर डेड बॉडी लेकर के हम पीर पक्ष वाले बैठे रहे। वो मैं बुला के वो बैठा, मैं सुबह से पूछता इसी में कर रहा हूँ, मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया, मेरे पास बैठा वो, मैं पूछता करो, पैर फट रहा है उसे तो निकल रहे, वो बाढ़ में जाए, मैं पूछताछ कर रहा हूँ सुबह, डंडे मारोगे उसको रिमांड पर लोगे तो ही हम जाएंगे, इन बच्चों को मार देंगे हम मर जाएंगे, हमको न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए, अंदर बंद करो सब। वो आपको मैंने कह दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन हाय करो, आप सहयोग करो पुलिस का, ऐसा है नहीं, नहीं उसको गिरफ्तार करो साहब, गिरफ्तार करो सबको न्याय चाहिए, और गिरफ्तार के बाद में भी जमानत नहीं होगी साहब, मैं कह रहा हूँ अगर जमानत होगी तो मैं आपको दाखिल, मैं नहीं तो इन बच्चों को मार करके यहाँ हम मर जाएंगे, हमको न्याय चाहिए, उसको साहब अरेस्ट करो, हाथ छोड़ेंगे, जान छोड़ेगी, सब छोड़ेगा, आप 6 दिन से आप ही कोऑपरेटिव, उसका पैर सड़ रहा है, वो दिख रहा है, तो मेरी बहन मर गई, उसका क्या, अरे तो आप उसको क्या करो, मैं आपको क्या बयान कर रही हूं, उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है और पीयर पक्ष वालों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अगर हमारी बेटी को मारने वालों को गिरफ्तार नहीं किया तो 24 से 48 घंटों के अंदर हम भी मतलब सुसाइड करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, पति पत्नी और बच्चों को भी, उनको भी हम मार करके हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम यहाँ आकर के खड़े हुए हैं और कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी साहब को, दोनों को ज्ञापन देना है। और कारण क्या था, किस कारण से तो हमेशा वो तो टॉर्चर करके उन्होंने मतलब अपने हिसाब से जानबूझ करके पैसों के लिए कोई किसी चीज़ की डिमांड करना, कोई छोटी छोटी बातों पर जानबूझ करके परेशान करना, कभी 5 लाख रुपये मांगना, कभी 1000 रुपये मांगना, कभी 25,000 मांगना, चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उस टाइम बेटी को मारा पीटी करते थे और उसके पहले रोज भी शनिवार के प्रभाव में।